दलित छात्र की पिटाई से नाराज भीम सेना ने शुजालपुर के गांधी पार्क में धरना दिया। कार्रवाई नहीं करने का पुलिस पर आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी अजय राणा को हटाने की मांग की गई। चार दिन पहले शुजालपुर महाविद्यालय में कुछ छात्रों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें रोहित नाम के दलित छात्र को बेरहमी से मारा गया था। इसकी शिकायत रोहित द्वारा मंडी थाने में की गई थी, लेकिन मंडी थाना प्रभारी द्वारा अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अपराधियों ने रोहित जाटव पर रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाया, जिस लेकर आज भीम आर्मी द्वारा धरना दिया गया। धरने में भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक सुनील आस्ते के नेतृत्व में यह धरना दिया गया। पर लगभग 7-8 दिन पहले घटना हुई थी, रोहित जाटव नाम के कुछ छात्र हैं, जो बीपी के छात्र को मारा गया था, उसमें कुछ गुंडे शामिल हुए थे, तो उन्हीं के विरोध में हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया और SDOP से कार्रवाई की मांग की। उस 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिन के अंदर जो यहाँ के जो TI है, यहाँ जो सिटी TI है, वो उनके ऊपर जातिवाद के बहुत बड़े गंभीर आरोप लगे। उन्होंने छात्र की जो FIR वो नहीं काटी, तो 15 लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई नहीं की और उसका एक आदम चालान कट गया SP का। फिर हमें जानकारी मिली, यहाँ के साथियों ने जानकारी दी हमें, तो हम लोगों ने फिर प्रेशर में आकर PI ने FIR की। लेकिन हम चाहते हैं कि जो असली आरोपी 15 जो छात्र जो 15 जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और कल छात्र को किडनैप किया गया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई। ये थारा मंडी में रोहित जो वहाँ पढ़ने वाला स्टूडेंट है कॉलेज का, उसके साथ कॉलेज के कुछ लड़कों ने आपराधिक घटना घटित की थी, जिसमें से अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उस दिनांक को शायद 12 तारीख को कोई घटना हुई थी, 12 तारीख को जो सही तरीके से रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी या उसके लेके एक विरोध प्रदर्शन किया है इन्होंने, और कलेक्टर साहब के नाम से एक ज्ञापन इन्होंने दिया है मुझे कि सर उस पर जांच करके पूरी विधिवत वैधानिक कार्रवाई, तो वो उसके संबंध में ज्ञापन लिया गया है। ज्ञापन लेके पूरी डायरियों का अवलोकन करेंगे कि क्या अपराध पंजीबद्ध हुआ है। मैंने रोहित को कल रात मेरे से मिलने आया था और मैंने बताया था, सभी लोग आए थे 3-4-5 लोग, उसमें पूरी जानकारी दी गई थी कि आपके अगर कथन नहीं लिख रहा है कोई, आप मेरे कार्यालय आना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यहीं बुला के आप जैसा कथन देंगे वैसा कथन हम लिख कर आएंगे। इस तरह डरने की जरूरत नहीं है, यदि आपको कोई भय व्याप्त है तो वहाँ पुलिस पार्टी को पकाते पेट्रोलिंग करेगी। मैंने अपना मोबाइल नंबर, थाने में उसका मोबाइल नंबर, और पुलिस पार्टी भी लगातार इनके कहीं इनके साथ कोई लड़ाई झगड़े को लेकर कोई गंभीर घटना घटित न होने पाए, ये पूरी चीज हम लोगों ने ध्यान रखा है, कहीं कुछ ऐसी चीज नहीं होगी। आज केवल ये ज्ञापन जहाँ तक मेरा औचित्य है, कहीं ना कहीं जय भीम पार्टी के रूप में आके उन्होंने ज्ञापन दिया। कल मुझे चीजें नहीं बताई थी कि हम साहब ये करने जा रहे हो। ये चीजें सर मंडी थाना प्रभारी को लेकर के काफी सवाल खड़े हुए, उस पर क्या कार्रवाई रहेगी? अब वो चीजें सारी पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाएगी कि सर ऐसे ऐसे इन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में लाकर ये सर ऐसी ऐसी बातें आई हैं, इस पर कोई ना कोई जो है जांच या कोई कार्रवाई। अभी सुजालपुर से जहाँ SDOP ऑफिस के सामने भीम आर्मी द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा था और TI थाना प्रभारी TI अजय राणा के खिलाफ यहाँ पर भीम आर्मी द्वारा धरना दिया जा रहा है। भीम आर्मी की मांग है कि TI थाना प्रभारी अजय राणा को तत्काल सस्पेंड किया जाए और उनका यहाँ से हटाया जाए, ये भीम आर्मी की मांग है। और इसी को लेकर के भीम आर्मी यहाँ पे धरने पे बैठी हुई है SDOP ऑफिस के सामने। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भीम आर्मी के सभी लोग बैठे हुए हैं, SDOP ऑफिस के सामने धरना दिया हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप सुजालपुर से देख सकते हैं, भीम आर्मी के सैकड़ों लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। TI अजय राणा को लेकर के यहाँ पे काफी हंगामा हो रहा है। राणा द्वारा यहाँ पर बहुत अनियमितता का माहौल किया जा रहा है, यहाँ पे शांति भंग करने जैसा माहौल पैदा किया जा रहा है। इसको लेकर के भीम आर्मी यहाँ पे धरने पे बैठी हुई है। कैमरा पर्सन राजेश गोस्वामी के साथ अशोक मीणा, दबंग सुजा